दोस्तों, हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं जो हम स्कूल या कॉलेज लाइफ में देखते हैं, लेकिन सोसाइटी प्रेशर, मनी, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते और अपने सपनों की कुर्बानी दे देते हैं। सो हाय, आई एम हिमानी और आज हम इसी टॉपिक पर दिल्ली वालों से बात करेंगे कि क्या कभी उनके साथ ऐसा हुआ है। सो लेट्स गो फॉर इट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कभी कोई पैशन होगा आपका जो आप कंटिन्यू नहीं कर पाए पेरेंट्स की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मनी, कुछ ना कुछ? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। मैं चाहती थी बचपन से कि मैं क्लासिकल सिंगिंग सीखूं, लेकिन पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला कि पढ़ाई करो, पहले एस्टैब्लिश हो जाओ, उसके बाद कुछ करना। तो अभी आई एम होपिंग कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ख़त्म करके सीखना शुरू कर दूँ। आप क्या करते हैं? मेरे इस समय गाड़ियों का काम है, जो कि मेरा काम सेल परचेज का है और मैकेनिकल। आपका स्कूल या कॉलेज लाइन में कोई सपना था जो आप नहीं बन पाए? मैडम, स्कूल लाइन में मेरा सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ, लेकिन मेरे घर के थोड़े ऐसे हालात थे जिस वजह से मैं बन नहीं पाया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे फादर ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके थे और मैं अपनी पढ़ाई की तरफ ना ध्यान देके अपने घर की ज़रूरतों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, इस वजह से मैं बन नहीं पाया। आई डिड सिविल इंजीनियरिंग एंड राइट नाउ आई एम रिसर्च एनालिस्ट। आपका कॉलेज में या स्कूल में कोई सपना रहा होगा इन फ्यूचर बनने का जो आप कंटिन्यू कर पाए, तो क्या बनना चाहते हैं? फ्रॉम स्टार्टिंग और यू कैन से फ्रॉम माय स्कूल टाइम आई जस्ट वांटेड टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस एंड आई कंटिन्यू इन ट्राइंग एंड दो टाइम मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ हूँ और यू नो माय एज इज नाउ 23 एंड आई एम स्टिल ट्राइंग कि एस एस बी निकलेगा, ट्राई कर रहा हूँ। 25 के ऊपर तक हम लोग दे सकते हैं बेसिकली। और वही चीज़ मेरे साथ लाइफ में आगे चलती रही, जिसके चलते चलते आज खैर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन आज मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं अपने बच्चों का, अपने घर का रोज़गार कर लेता हूँ। लेकिन जो एक सपना था ना, वो एक इंसान की लाइफ की तरह होता है। जैसे इंसान की लाइफ आगे बढ़ जाती है ना, उसी तरह सपने भी इंसान के आगे बढ़ जाते हैं। अगर इंसान अपने सपनों को ही पूरा करे तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी आगे बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ता, क्योंकि अगर सपने देख के इंसान जिए तो वो इंसान जी नहीं पाएगा। इंसान जीता अपनी मेहनत से, जो कि मैंने रास्ता चुना अपने घर, अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए, और उस फैमिली को देखते हुए आज मुझे मेरा जो सपना है, जो अधूरा रह गया, उसका मलाल मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आपका कुछ सपना होगा जो आप कंटिन्यू नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मनी, घर वालों की वजह से कुछ आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाए? यार वैसे तो मैं अगर फैक्ट बताऊँ तो मैं जाना चाहता था मॉडलिंग करियर में, ठीक है। मैंने कॉलेज के टाइम पे किया भी थोड़ा बहुत, बट फिर घर वालों को भी थोड़ा सा रहता है क्योंकि खानदान में सारे के सारे लोग जो हैं IAS IPS भरे हुए हैं एंड आई एम द ओनली वन इज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। थोड़ा सा अभी प्रेशर रहता है कि यार तुम भी कुछ करो उसमें जाकर। तो नाउ वो चेंज हो गया है प्रॉपर, अब मुझे उसी में घूमना है, तो मैं भी उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ एंड आई विल गो टू दैट। मतलब आप मॉडलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए? नहीं। Why? उस तरह की चीज़ें होती हैं, उस समय कॉलेज पे देखना था, प्लस फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर। अगर आप मॉडलिंग में कंटिन्यू करते तो ऑब्वियसली आप आज उसमें भी अच्छे होते। अगर आई कुड बी, बट आप नहीं फॉलो। मेरा जो ड्रीम था, वैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ मैं आर्मी लाइन में जाना चाहता था, मगर उस मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया और उसके लिए अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ मैं। बट अभी मेरा जो ड्रीम था, मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ और मैं कबड्डी खेलता था अपने स्कूल टाइम पे और काफ़ी टाइम मैं स्टेट लेवल पे खेल भी चुका हूँ। और अभी मगर कॉलेज लाइफ में जब गया, कॉलेज में एंट्री किया, तो उसके साथ साथ मेरे घर की फैमिली कंडीशन थोड़ी वीक थी, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई कॉलेज का लाइफ में मैं तो कॉलेज नहीं कर पाया, उसके साथ साथ मेरे को जॉब करना पड़ा। I'm not letting you go by like that. I have this dream of opening my own production house and be an actor, but I don't think I have ever given it up. Like, हाँ ठीक है, पापा ने कहा यू नीड टू हैव अ सेफ साइड, सो आई एम वर्किंग फॉर माई सेफ साइड, बट इवेंचुअली हाँ वी विल गेट देयर, बट वी कैनॉट गिव इट, वी कैनॉट गिव इट अप, लाइक वी डोंट हैव दैट एटीट्यूड ऑफ यू नो इट, लाइक यार ठीक है माँ बाप कह रहे हैं तो चलो कर देते हैं, नहीं। सैटिस्फैक्शन के लिए उनका मन रख लेते हैं, उसके बाद अपना भी कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है? अमित कुमार। आपका प्रोफेशन क्या है करंटली? प्रोफेशनल आई एम वर्किंग इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एज एन असिस्टेंट। तो स्कूल या कॉलेज लाइफ में आपका कोई ड्रीम रहा होगा जो आप फॉलो नहीं कर पाए? Obviously everyone has a dreams, so even I had at the time I wanted to be a model, लेकिन just because of my family and I have responsibilities तो नहीं कंप्लीट कर पाया। अभी मैं वर्किंग हूँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे एज ऑफिसर।
तो आपका स्कूल या कॉलेज लाइफ में कोई ड्रीम रहा होगा जो आप कंटिन्यू नहीं कर पाए? हाँ, मेरे स्कूल से लेके कॉलेज लाइफ तक मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं सिंगर बनना चाहता था, और सिंगिंग भी मैं सही ही करता था। अपने कॉलेज में बैंड में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, और बट आगे नहीं कर पाया। फैमिली प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसी नहीं कि चाहे मनी प्रॉब्लम हो या फिर कोई बर्डन हो। बर्डन एक्चुअली ये था फैमिली में, चाचा ताऊ मामा, मेरा लड़का ये कर रहा है, मेरा लड़का वो कर रहा है, तुम सिंगिंग, अरे इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, इसी में उलझ के रह गया। सो लेकिन आपकी इच्छा थी बनने की? बनने की इच्छा थी, और उसके लिए अभी भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, और उसके साथ अभी मैं मेडिकल लाइन का काम कर रहा हूँ। और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि आप नहीं बन पाए? फैमिली की कुछ कंडीशन थी और घर की कुछ दिक्कत थी, पापा अकेले काम करने वाले, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको अकेला काम करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। पढ़ाई तो मैं वैसे भी कर रहा था, वो पढ़ाई करा भी देते मेरे को, मगर मुझे कहीं ना कहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा था ये सब। इस वजह से मेरे को अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे को जॉब करना ज़्यादा ठीक लगा। तो अगर आज आपको चांस मिले तो बनना चाहेंगे? ऑब्वियसली ना कर यार। सोसाइटी का किस तरह का प्रेशर था कि क्यों नहीं पढ़ा? एक्चुअली प्रेशर कुछ नहीं था, बात इतनी सी थी कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसके बाद में आई हैड टू वर्क, और इधर यू नो आई हैड टू चूज या मॉडलिंग वगैरह, तो फिर मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है क्विट करते हैं, बाकी अगर इन फ्यूचर हो सका तो फिर ट्राई मारूँगा। देन आई डिड जिमिंग इन ऑल, उसके बाद में अभी रिसेंटली लाइक न्यू ईयर पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट था, फ्रैक्चर वगैरह हुए थे, तो बॉडी वगैरह सब लूज़ हो गई, तो फिर उसके बाद में फिर स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ टाइम वगैरह मिले, लेकिन इवन मैंने ट्राइड कि हाँ मैं जिम वगैरह दोबारा स्टार्ट करूँ, अपनी फिजिक प्रिपेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि वेट वगैरह लिफ्टिंग नहीं हो पाता। तो अगर उस टाइम में आप मॉडलिंग ही चूज़ कर लेते, उसी में घुस जाए, तो आपको नहीं लगता आप उसमें भी परफेक्ट बन सकते थे? नहीं, वो किसी बात है, टाइम लगता, स्ट्रगल तो यू नो कि स्ट्रगल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, तो स्ट्रगल करता लेकिन सक्सेस हो ही जाता। तो आपने वो सिंगर छोड़ ही दिया, आपने वो पैशन छोड़ा नहीं, अभी भी गाता हूँ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर किसी फंक्शन वगैरह में। तो आपको लगता कि अगर वो आप वही कंटिन्यू करते तो आज आप अच्छे सिंगर भी हो सकते थे रादर देन अभी आप जो हैं? बिल्कुल हो सकता था, और कहीं और ही होता शायद, और अच्छी पोजीशन पे अच्छे लोगों के साथ गा रहा होता। तो आपने अपने अपने को एडजस्ट कर दिया हर एक चीज़ से? एडजस्ट नहीं किया, जो भी सिचुएशन हमने बनाया वो खुद ही बनाया और सोच समझ कर ही बनाया। ठीक है, अर्निंग है, फैमिली है, सारा सपोर्ट है, सब साथ है, बस अभी नहीं तो कभी ना कभी, तो कभी ना कभी तो बन जाते हैं ना। पेरेंट्स की खुशी भी बच्चों में होती है, बच्चों की खुशी पेरेंट्स में होती है, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, गिव एंड टेक। वो हमारे लिए कुछ करते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं। सही बात है, पैसा तो कमाना ही है, उसके लिए थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे तो खुल ही जाना है। सही बात है, ना कुछ तो बनना पड़ेगा उसके लिए, है ना, तो पैसा तो चाहिए ना। अगर मम्मी को पटाने के लिए भी तो इतना करना पड़ेगा, देखो इतने मार्क्स आए, डिग्री हो गई, अब लाओ पैसे, तो अब सीखने दो, अब हमारे काम के लिए हमें पैसा दे दो। एग्जैक्टली, होपफुली दे विल गिव अस, होपफुली। अब तो इन्वेस्ट कर दो, इतना तो भरोसा कर लो, बड़े हो गए अब। अगर नहीं भी होता तो छोटा मोटा तो कुछ हो ही जाता, तो अगर अभी अपनी लाइफ के साथ में हैप्पी रहता। तो अगर मतलब अभी आप हैप्पी नहीं अपनी लाइफ से? अभी मैं इट्स लाइक की ना एडजस्टमेंट, या काइंड ऑफ I mean, just look at yourself, ki you are doing all these things, so you like it, that's why you are doing. If you had a responsibilities aur aapko kuch aur hi karna padta, to fir aapko pasand nahi aata. Abhi aapko ye pasand hai, isliye that's why you are doing it. To jo humko pasand hota hai, hum wo karte hain, to humko usme alag hi satisfaction milta hai. तो हमने देखा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए लोगों ने किस तरह से अपने पैशन की कुर्बानी दी है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ नेटवर्क्स, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन।